योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ने योग की ये डेफिनेशन बताई है कि जिसके मुताबिक देखे तो योग यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, यही है योग। चित्त यानी कि हमारा मन और वृत्ति यानी कि उसके अंदर उठने वाले ये तरंग, ये हमारे विचार। तो जब हम मन के इस विचारों को पूरी तरह से निरोध कर दे तो ये होता है योग। तो कैसे इस स्थिति में पहुंचा जाए? नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल दी योगा डेस्टिनी में। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से योग के माध्यम से हम चित्त वृत्ति की निरोध की अवस्था में पहुंचते हैं। जब भी हम आसन करते हैं या षटकर्म करते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर की शुद्धि होती है और हमारे सारे ऑर्गन अच्छे से काम करना शुरू कर सकते हैं, जिस वजह से हम लंबे समय तक एक अवस्था में बैठने के लिए रेडी होते हैं। और प्राणायाम जो है वो हमारे प्राण को कंट्रोल करता है। प्राण माने कि हम जो सांस के थ्रू प्राण वायु हमारे शरीर में जा रही है उसको कंट्रोल करता है। तो प्राणायाम के द्वारा हम हमारी सांसों की गति को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारी सांसों की जो गति है वो हमारी मन की स्थिति से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही हमारी सांसों की गति हम कंट्रोल करेंगे वैसे ही हमारी मन की स्थिति भी कंट्रोल हो जाएगी, और इस तरह से हम हमारी चित्त की वृत्तियों का जो निरोध की अवस्था है वहां तक पहुंच सकते हैं। प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार है जिसमें से आज हम सीखने वाले हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नसिका से सांस ली जाती है, फिर उसके अपोजिट से सांस छोड़ेंगे, फिर वहां से सांस लेंगे, और जहां पर हमने सांस लेना शुरू किया था वहीं पर हम छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम एट अ टाइम एक ही नसिका का यूज करेंगे, सांस लेने के लिए हो चाहे सांस छोड़ने के लिए हो, इसीलिए इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग कहा गया है। और जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कुंभक के साथ यानी कि सांस को अंदर की ओर रोकना या तो बाहर की ओर रोकना इस तरह से करते हैं तो इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, जो अनुलोम विलोम का एक एडवांस वर्जन है। जब आप अनुलोम विलोम में मास्टरी कर लो उसके बाद आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि अनुलोम विलोम करने का सही समय कौन सा है? तो वैसे कोई भी आसन हो या प्राणायाम जिसको आप सुबह खाली पेट करें वही बेहतर होता है, लेकिन अगर आप किसी वजह से सुबह उठकर तुरंत नहीं कर पाते हैं तो खाना खाने के बाद आप कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बाद इसका अभ्यास कीजिए, और अगर आपने कुछ लिक्विड लिया है तो आधा घंटा हो जाए उसके बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। और प्राणायाम के अभ्यास के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप कुछ भी खाना खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो ये हुआ समय। अब कितनी देर तक इसका अभ्यास करना चाहिए? तो जब भी आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आपको समय के हिसाब से नहीं करना है, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट ऐसे अभ्यास नहीं करना है, इसको चक्रों की गिनती के हिसाब से करना है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू करेंगे, फिर राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हुआ पूरा एक चक्र। इस तरह के आपको कम से कम 5 से 10 चक्र करने चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो 5 चक्र जरूर कीजिए, और अगर आप थोड़े प्रैक्टिस करते हैं तो 10 से 15 चक्र कीजिए। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने चक्र कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितने भी चक्र कर सकते हैं। तो ये हुआ कितनी देर करना है ये बात। अब और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है? अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हुआ है, आपको दोनों ही नसिका छिद्र बंद है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन है तब आप इसका अभ्यास ना कीजिए। अदरवाइज आपको कोई भी बीमारी है, आप बेड रेस्ट हो, तभी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। चाहे वो लकवाग्रस्त इंसान है, या तो वो कैंसर से पीड़ित है, या कोई सर्जरी करवाई है और बेड रेस्ट है, ऐसे इंसान भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि बैठने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तो आप चाहे तो जमीन पर बैठ कर कीजिए, बेड के ऊपर बैठ कर कीजिए, चेयर के ऊपर बैठ कर कीजिए, किसी भी जगह पर बैठकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सिंपल पलाथी मार के बैठ सकते हैं, या वज्रासन में बैठ सकते हैं, या तो अर्ध पद्मासन या पद्मासन की सिचुएशन, किसी भी स्थिति में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी स्पाइन जो है वो पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। आपको स्पाइन इस तरह से कॉलेप्स होगी, आपका पूरा बेंड होगा, तो आपका क्या है कि छाती उभरा हुआ नहीं रहेगा, जिस वजह से आप सांस पूरी तरह से भर नहीं पाओगे। तो इस बात को आपको बैठते वक्त ध्यान रखना है।
अब बात आती है, जब हम सांस लेते हैं तो कैसे सांस लेना है। जब भी आप सांस लेंगे तो बहुत ही स्लो ब्रीथिंग होना चाहिए। जितनी देर आप सांस भरते हो उससे दुगना टाइम जो है वो आपको सांस को छोड़ने में लगाना है। आपकी सांसों की गति बहुत ही स्लो होनी चाहिए और पूरा महसूस करते हुए आपको सांस को भरना है और सांस लेते वक्त किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना है। जितना आराम से आप सांस को ले सकते हो उतनी आराम से आपको सांस लेनी है। अब बात आती है हाथों की मुद्रा की। तो हाथों में हम एक लेफ्ट हैंड है जिसका हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इस तरह से उंगली और अंगूठे को जोड़कर अपने घुटने के ऊपर टेक देंगे और दूसरा जो राइट हैंड है उसकी दो फिंगर्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाकी जो हमारा अंगूठा है और दो उंगलियां है उसको हम नॉस्टिल को बंद और खोलने में इसका उपयोग करेंगे। इसे विष्णु मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से आपको हाथों की मुद्रा लेनी है। हाथों को जो है वो इस तरह से रखना नहीं है, ऐसे आप जब रखोगे तो आपका हाथ थक जाएगा और फिर आपका ध्यान उसी में लगा रहेगा तो आप ठीक से प्राणायाम नहीं कर पाओगे। इसलिए हाथों को ना इस तरह से अपने छाती के ऊपर थोड़ा सपोर्ट के साइड रखिए जिससे आप ना ज्यादा देर तक इसका अभ्यास कर सकेंगे। और जब आप सांस लेते हैं तो आपको पेट ना पूरा ढीला छोड़ देना है, पूरा इस तरह से टाइट करके नहीं रखना है। लूज कर दीजिए अपने पेट को पूरी तरह से और नाक के ऊपर ज्यादा ना इस तरह से दबाव नहीं देना है। बहुत ही आराम से नाक को इस तरह से प्रेस करेंगे और धीरे से इसको खोलेंगे, फिर दूसरी साइड इस तरह उंगलियों से प्रेस करेंगे। तो नाक के ऊपर ज्यादा ऐसे दबा कर मत रखिए इसको, जितना हो सके आराम से हर चीज को लीजिए। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद करके इसका अभ्यास कीजिए। तो इस तरह से हम पोजीशन लेंगे और अब हम इसका अभ्यास प्रैक्टिकली कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी और लास्ट में बताऊंगी कि इसके और कौन कौन से फायदे हैं और आप भी मेरे साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। राइट थंब से राइट नोस्टल को क्लोज कर ले और लेफ्ट साइड से सांस भरना शुरू करें। अब दोनों नोस्टल को बंद कर ले और राइट साइड से सांस को बाहर की ओर छोड़े। राइट साइड से सांस भरे, दोनों नोस्टल बंद कर ले, लेफ्ट साइड से सांस को बाहर की ओर छोड़े, लेफ्ट से सांस भरेंगे, दोनों नोस्टल को बंद करेंगे, राइट साइड से सांस बाहर की ओर छोड़े, राइट साइड से सांस भरे, दोनों नोस्टल बंद कर ले, लेफ्ट साइड से सांस बाहर निकाले, लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, दोनों नोस्टल को बंद करेंगे, राइट साइड से सांस बाहर की ओर छोड़े, राइट साइड से सांस भरेंगे, दोनों नोस्टल को बंद कर लेके लेफ्ट साइड से सांस बाहर की ओर छोड़े, लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, दोनों नोस्टल को बंद कर लेंगे, राइट साइड से सांस बाहर की ओर छोड़े, राइट साइड से सांस भरेंगे, दोनों नोस्टल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट साइड से सांस बाहर की ओर छोड़े, लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, दोनों नोस्टल बंद कर ले, राइट साइड से सांस बाहर की ओर छोड़ दे, राइट साइड से सांस भरे, दोनों नोस्टल बंद कर ले और लेफ्ट साइड से सांस बाहर की ओर छोड़ दे। रिलैक्स।
अगर आपने मेरे साथ इसका अभ्यास किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इसके द्वारा आपके मन को कितनी शांति मिली है और आपका दिमाग जो है पूरी तरह से शांत हो चुका है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं और योग की भाषा में देखा जाए तो जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, इन दोनों नाड़ियों के बीच में संतुलन लाता है। सूर्य नाड़ी यानी कि हम राइट नोस्ट्रिल से जो ब्रीथिंग होती है ये है हमारी सूर्य नाड़ी और लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो ब्रीथिंग होती है वो होती है हमारी चंद्र नाड़ी। अब सूर्य नाड़ी जो है वो हमारे बॉडी की ऊर्जा है, हमारा जो हाइपर एक्टिविटी होता है, इस शक्ति होती है उसका प्रतीक है। और उसी तरह से चंद्र नाड़ी जो है वो हमारी बॉडी में जो सुस्ती है, शांति है या हमारा जो लेजीनेस है उसका प्रतीक होती है। तो इन दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से इन दोनों के बीच में संतुलन आता है और संतुलन आने की वजह से हमारा दिमाग बहुत ही शांत हो जाता है और हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है, डिप्रेशन कम होता है और हमारे अंदर ना एक जो क्रिएटिविटी है, पॉजिटिविटी है, इस तरह के गुणों का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये दोनों नाड़ियों का संतुलन बहुत जरूरी होता है जो अनुलोम विलोम से आता है। दूसरा, हमारी जो प्रकृति होती है वात कफ पित्त इन सब के बीच में भी ये बैलेंस लाता है। उसके अलावा हेल्थ के रिलेटेड देखा जाए तो ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं या सांस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या है, इन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। उसके साथ जो लोग गठिया है, अर्थराइटिस है, ऐसी समस्या से पीड़ित है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो इसे हेल्थ के रिलेटेड देखा जाए तो हमारी हर एक जो बॉडी सिस्टम है उसके लिए अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और पर्सनली मैं बताऊँ तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्राणायाम है जिसको मैं कुंभक के साथ हर रोज अपने रूटीन में करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आज से आप अपने रूटीन में अनुलोम विलोम को शामिल करेंगे। और वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।